Hello, dear learners. This is day 29 of our English speaking course, and today we'll be learning about the countables and uncountable sentences. Is mej par rakhi sabhi pustake neeli hai. All the books on this table are blue. Bheed ka har vyakti astabdh khada tha. Everyone in the crowd was stunned. Unme har ek कि अपनी कार है. ईच ऑफ दीज हैज हिज ऑन कार. ओके, मैंने बहुत सी चीजें गुम की है. आई हैव लॉस्ट मैनी थिंग. क्या कोई आया है? हैज समवन कम. हाँ, कोई आपका इंतजार कर रहा है. यस, समबडी इज वेटिंग फॉर यू. घर घर में शोर मचा हुआ है. देयर वॉज कमोशन in every house. Instead of commotion, you can use uproar. हमने सारे बाग का चक्कर लगाया. We went all around the garden. उन्होंने देश भर की यात्रा की. They traveled all over the country. इस सारे वक्त में मैं उसकी प्रतीक्षा करता रहा. All this while I waited for her. So I have not read out all the sentences, but you can practice it by pausing the video. And muhavre, the idiomatic sentences. Buri aadate shuru mein hi rok deni chahiye. Bad habits should be nipped इन द बर्ड. मोहन का कठिनता से निर्वाह होता है. मोहन लिव्स फ्रॉम हैंड टू माउथ. द डकैट आर स्टिल एट लास्ट. डाकू अभी तक नहीं पकड़े गए. खूनी रंगे हाथों पकड़ा गया. द मर्डरर वॉज कॉट रेड हैंडेड. मुझे इस बात का पता लग गया. आई गॉट विंड ऑफ दिस मैटर. उसकी मृत्यु बिल्कुल निकट है. हिज डेज आर नंबर्ड. ख्याली पुलाव पकाने से क्या लाभ है. बिल्डिंग कैसल्स इन द एयर वॉन्ट हेल्प. वह लारी की दुर्घटना में बाल बाल बचा. ही हैड अ नैरो एस्केप इन द लॉरी एक्सीडेंट. हमें इतनी छोटी छोटी बातों पर आपे से बाहर नहीं होना चाहिए. वी शुड नॉट लूज आवर टेम्पर ओवर ट्रिफल. उनसे जीवन के बहुत उसने जीवन के बहुत उतार चढ़ाव देखे. ही हैज सीन मैनी अप्स एंड डाउन्स इन हिज लाइफ. मैं लगातार 12 घंटे काम कर सकता हूँ. आई कैन वॉक फॉर 12 आवर्स एट अ स्ट्रेच. वह किसी भी तरह सबसे ऊंचे पद पर पहुंचना चाहता है. ही वॉन्ट्स टू रीच द टॉप बाई हुक और बाई क्रूक. सो दिस इज द इडियम्स एंड यू कैन लर्न ओनली बाई प्रैक्टिसिंग. एंड इट जो इडियम्स होते हैं उसका खूबसूरती यह होता है कि वो जो सेंटेंस जो हमारे जो स्पीकिंग है जो हमारे कन्वर्सेशन है उसको और ही इंटरेस्टिंग बनाते हैं. द मोर यू लर्न इडियम्स इट विल इनहांस योर कैचीनेस ऑफ योर स्पीकिंग इंग्लिश. दैट्स ऑल फॉर दिस डे.